हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और आज हम प्लांट टिश्यू कल्चर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट और टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में इस क्लास में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इसमें हमें ज़रूरत है प्लांट मटेरियल, इक्विपमेंट एंड ग्लास वेस, एसेप्टिक कंडीशन, वॉशिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी, मीडिया प्रिपरेशन रूम, स्टेलाइजेशन रूम, न्यूट्रिएंट मीडियम, ट्रांसफर रूम, कल्चर रूम और इंक्यूबेटर्स, प्रॉपर एंड ऑप्टिमल एरिएशन, वेल इक्विप ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग एरियाज। आगे हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लांट मटेरियल की। तो प्लांट मटेरियल हमारा डिजीज फ्री और पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हम कोई पर्टिकुलर स्पीशीज ले सकते हैं इसके लिए। अगला है कि हम प्लांट के सॉफ्ट टिश्यूज को लेने के बजाय जर्मिनेटेड सीड्स लेंगे तो वो बेटर होगा। नेक्स्ट, प्लांट के हम किसी स्पेसिफिक पार्ट को ही एक्सप्लांट के रूप में लेते हैं, जैसे कि उसका इंटरनोड या फिर लीफ। उसके बाद बात करते हैं इक्विपमेंट और ग्लास फेस की। तो सबसे पहले आता है लेमिनार एयर फ्लो, जो हमें एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करता है ट्रांसफ़र करने के लिए। इनक्यूबेटर, जिसमें हम पर्टिकुलर टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर पर हमारे प्लांट को ग्रो करते हैं। ऑटोक्लेव, स्टेलाइजेशन ऑफ ग्लासफेयर एंड मीडिया, रेफ्रिजरेटर, जो हम स्टॉक सॉल्यूशन को रखने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारे इक्विपमेंट और ग्लासफेस। आगे भी हैं, जैसे कि नेक्स्ट है हॉट एयर ओवन, जो हमारे ग्लासफेस को स्टेलाइज करने के लिए है, माइक्रोस्कोप स्टडी करने के लिए, पीएच मीटर हमारे मीडियम का पीएच को मेंटेन करने के लिए, बर्नर का यूज़ हम जब हम ट्रांसफ़र करते हैं एक्सप्लांट को मीडिया में उसके लिए, वॉशिंग अप इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे सिंक है, टैप है, इन सब की ज़रूरत होती है, ग्लास वेस को रखने के लिए रैक्स की ज़रूरत होती है, ये सब हमारे रिक्वायरमेंट है। देन वाटर प्योरीफायर, हमें प्लांट टिश्यू कल्चर में एक क्लीन वाटर ही चाहिए होता है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूज, अगर हमें सेल्फ सस्पेंशन कल्चर तैयार करना है तो उसके लिए हमें सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है शेकर, सेल्फ सस्पेंशन कल्चर के लिए हमें शेकर की ज़रूरत होती है। बैलेंस, वेइंग बैलेंस, हमें हर मीडिया में जो हम कल्चर में जो हम मीडिया यूज़ करते हैं उसका वेइंग हमें प्रॉपरली करना होता है, ठीक है। शेल्फ्स चाहिए हमको अपने कल्चर को रखने के लिए, सीजर, स्कैपल, फॉर्सेप की ज़रूरत होती है। कल्चर वेसल, जैसे कि हम मोस्टली कॉनिकल फ्लास्क या फिर लार्ज साइज टेस्ट ट्यूब्स का यूज़ करते हैं। ग्लास फेस, जो हमें छोटे छोटे ग्लास फेस उसके लिए और ज़रूरत होती है, वो चाहिए होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल्स, कॉटन प्लग्स, इनकी ज़रूरत होती है। माइक्रोवेव की ज़रूरत होती है अगर मीडिया सॉलिडिफाई हो गया तो उसको वापस सेमी सॉलिड करने के लिए। नेक्स्ट है आपका एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन का मतलब होता है माइक्रोब्स फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। इसके लिए जनरली एक पर्टिकुलर रूम तैयार किया जाता है या फिर इस चीज़ के लिए लेमिनार एयर फ्लो का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं सरफेस स्टेलाइजेशन ऑफ प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल का सरफेस स्टेलाइजेशन हम स्पेसिफिक केमिकल्स के द्वारा करते हैं या फिर अल्कोहल के द्वारा करते हैं। इसके लिए हम डबल डिस्टिल वाटर का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो ड्राई हीट मेथड इक्विपमेंट के स्टेलाइजेशन के लिए। स्टेलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड, क्रोमिक एसिड, इनका यूज़ कर सकते हैं। वेट स्टेलाइजेशन के लिए हम ग्लासफेस को ऑटोक्लेव करते हैं 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 LB प्रेशर पर 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि उसको फ़िल्टर करना। नेक्स्ट है उसमें एंटीबायोटिक्स डालना ताकि उसमें माइक्रोब्स ग्रो ना कर सके। केमिकल्स का स्टेलाइजेशन केमिकल्स के थ्रू, जैसे कि अल्कोहल है, उनसे भी हम स्टेलाइजेशन कर सकते हैं। और स्टेलाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट, इट इज़ डन बाय द फ्यूमिगेशन। फिर उसके बाद बात करते हैं वॉशिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी की। तो वॉशिंग के लिए हमें स्पेशली उसके लिए सिंक चाहिए, फ्रेश वाटर सप्लाई चाहिए, ठीक है, डिस्टिलेशन यूनिट चाहिए जिससे हम डबल डिस्टिल या डिस्टिल वाटर हमें मिलेगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास वर्किंग टेबल उसका प्रॉपरली होना चाहिए, सिंक, वॉशिंग मशीन, ये सब होने चाहिए ताकि हम ग्लास वेस को स्पेशली वॉश कर सकें, ठीक है। सफिशिएंट एरिया होना चाहिए हॉट एयर ओवन को रखने के लिए, ठीक है। और हॉट एयर ओवन में ही हम अपने ग्लास वेस को स्टेलाइज करते हैं। मीडिया प्रिपरेशन रूम, जहाँ पर हम प्रॉपरली मीडिया को प्रिपेयर करेंगे विद स्टॉक सोल्यूशन। नेक्स्ट है स्टेलाइजेशन रूम फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया, ठीक है। कल्चर मीडिया बनने के बाद उसे हम कल्चर इक्विपमेंट जो भी यूज़ होते हैं, सीजर, फॉर्सेप, इन सभी को पहले ऑटोक्लेव और उसके बाद हॉट एयर ओवन में उसे स्टेलाइज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम की। तो न्यूट्रिएंट मीडियम में सबसे पहले हमें मीडिया कंपोजिशन बनाना होता है, दैट इज़ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड अदर मीडिया सब्सटेंस एंड पीएच। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। अदर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का मतलब होता है जो हम उसमें प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स,
ये सब हम जो यूज़ कर रहे हैं या फिर हम जो हार्मोन्स यूज़ कर रहे हैं वो, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसफ़र रूम। ट्रांसफ़र रूम का मतलब होता है एक इन्वायरमेंट, एसेप्टिक इन्वायरमेंट जिसमें हम इनोकुलेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ये प्रोसेस जनरली लैमिनार एयर फ्लो में परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद आता है कल्चर रूम और इनक्यूबेटर। जब हमारा इनोकुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसके बाद हम उस कल्चर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर रूम में रखते हैं जहाँ पर उसका वो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है वेल इक्विप्ड ऑब्जर्वेशन और रेडियो सॉरी रिकॉर्डिंग एरियाज, ठीक है। जो प्रोसेस हो रही है, जिस तरीके से हो रही है, कितने समय में प्रोसेस हो रही है, किस तरह की प्रोसेस हो रही है, इन सब का अच्छी तरीके से वहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उसका रिकॉर्ड करके रखा जाता है। हर समय की रिकॉर्डिंग की जाती है। अब बात करते हैं बेसिक मेथडोलॉजी और टेक्निक ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम। मैंने पहले ही बताया था न्यूट्रिएंट मीडियम के लिए आपको पहले लाइव स्टॉक बनाना पड़ता है और उसे ऑटोक्लेव करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। हम किसी भी हेल्दी प्लांट को ले सकते हैं और उससे हम अपना एक्सप्लांट ले सकते हैं। उसके बाद स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट। एक्सप्लांट लेने के बाद उसको केमिकल से ट्रीट किया जाता है और उसका स्टरलाइजेशन किया जाता है। उसके बाद उसे लेमिनार एयर फ्लो में एसेप्टिक कंडीशन में इनोकुलेट किया जाता है मीडिया में। इसके पश्चात उसको कल्चर रूम, उसके बाद इसको स्टोरेज रूम में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रखा जाता है। जो हमारे लाइफ जो बन हमारे जो लाइफ स्टॉक बचे हुए हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब आपके जो प्लांटलेट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसको हम नए मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि एक समय के बाद वो मीडिया ख़त्म हो जाता है, उसको फिर से रीजनरेट होने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर देखिए प्रोसेस मैंने आपको समझाया है कि प्लांट से फील्ड से हमने उसे लिया, उसका वॉशिंग किया, वॉशिंग करने के बाद उसको स्टरलाइज किया, स्टरलाइज करने के बाद मीडिया में इनोकुलेट किया। इनोकुलेशन के बाद कैलस का फॉर्मेशन होता है और कैलस का फिर सब कल्चर किया जाता है। इस सब कल्चर से बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद शूट्स का फॉर्मेशन, फिर रूट्स का फॉर्मेशन, धीरे धीरे उसमें प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता है। प्लांटलेट का फॉर्मेशन के बाद उसे ग्रीन हाउस में स्टोर कर दिया जाता है, ग्रीन हाउस में उसकी ग्रोथ करवाई जाती है। ग्रीन हाउस में ग्रोथ करने के बाद उसे वापस पॉट में लगा दिया जाता है और पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पर रखा जाता है। उसके पश्चात उस प्लांट को वापस फील्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस तरीके से प्लांट टिश्यू कल्चर की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरी तरीके से ख़त्म होती है, ठीक है। इसके लिए आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर, एसेप्टिक कंडीशन को शुरू से आखिर तक मेंटेन करके रखना होता है। आगे मैंने कुछ पिक्चर्स डाली हैं इसके लिए, आप ध्यान से उसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए लैमिनार एयर फ्लो में कैसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो दिखाया मैंने। टिश्यू कल्चर रैग जो रखा रहता है वो दिखाया है मैंने आपको यहाँ पर, कि किस तरह से टिश्यू कल्चर को वहाँ रखा जाता है इनोकुलेशन के बाद। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर।